हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉम्स की रिक्वेस्ट थी कि उनसे ये जानकारी शेयर की जाए कि प्रेगनेंसी में किन्हीं का पेट तो बहुत ज्यादा दिखता है, किन्हीं का बहुत कम दिखता है, तो कैसे समझें कि हम ठीक हैं, हमारी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आती हूँ जो आपकी मदद करती है अपनी प्रेगनेंसी में खुद का ख्याल रखने में। प्रेगनेंसी में पेट का कम दिखना और पेट का ज्यादा दिखना, इन दोनों में आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आप आगे के पॉइंट्स को जरूर ध्यान से सुने। सबसे पहली बात कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है और उसका चौथा पांचवा छठा महीना यानी कि सेकेंड ट्रिमेस्टर चल रहा होता है, उस महीने जाके लास्ट तक ठीक से बेबी बम आता है, तो अगर इससे पहले नहीं आया है, शुरू में कम है, तो आप परेशान ना हो, सेकेंड ट्रिमेस्टर के एंड तक आप वेट करें, अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप लेते रहें, सोनोग्राफी आपकी टाइम टाइम से कराएं जिससे कि बच्चे के विकास को आप ट्रैक कर सकें और बेबी बम्प पे उतना ज्यादा फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गर्भवती माँ की हाइट, जिस महिला की हाइट ज्यादा है उसकी एब्डोमेन कैविटी में प्रॉपर स्पेस होगा और बच्चे को डेवलप होने के लिए स्पेस मिलता, उसका बम्प ज्यादा बाहर नहीं आ पाता। लेकिन जिन महिलाओं की हाइट शॉर्ट होती है उनका बेबी बम्प बाहर की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। ये बहुत कॉमन सा लॉजिक है जो हम सभी समझ सकते हैं। तीसरी कंडीशन जो कि बड़ी खुशी की बात है, जिन माओं का बच्चा गर्भ में बड़ा स्वस्थ होता है, उसका वजन बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे का वेट अगर बढ़ेगा तो यूट्रस का साइज भी उसी तरीके से बढ़ेगा और बम्प भी उसी अकॉर्डिंग दिखाई देगा। अगली महत्वपूर्ण बात, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में डायबिटिक सिम्टम होते हैं, जिनको गर्भावस्था में मधुमेह की समस्या होती है, उनका एमनियोटिक फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से भी बेबी बम्प बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं तो डेफिनेटली बेबी बम्प का साइज बड़ा होगा। लेकिन क्या बेबी बम्प से लड़का या लड़की डिसाइड किया जा सकता है? ये केवल एक मजाक है। बेबी बम्प आपके बच्चे के स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य, बच्चे का विकास, बच्चे का वजन, ये निर्धारित करता है, ना कि उसका जेंडर। अगली महत्वपूर्ण बात कि लास्ट का जो ट्रिमेस्टर होता है, सातवां आठवां नवा महीना, तब बेबी बम्प में सिग्निफिकेंट ग्रोथ होता है क्योंकि वो बेबी के वेट गेन का टाइम होता है। और तब भी आपकी डॉक्टर अगर कहती हैं कि बेबी का वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है, तब बिना घबराए आज के वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी डाइट में आप मीठी चीजें, दूध, घी, घर वालों के कहने पर, सजेशन देने वालों के कहने पर ना करें, बल्कि थोड़ा प्रोटीन लें। प्रोटीन के बिस्किट आते हैं, प्रोटीन के पाउडर सप्लीमेंट्स आते हैं, मिल्क में, वाटर में ऐड करके ले सकते हैं, अपने ओटमील में ऐड करके ले सकते हैं, थोड़ा पनीर ऐड करें, दालें ज्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट ऐड करें अपने खाने में, लेकिन इसके साथ फल सब्जियों को ना भूलें। साथ में आपको मल्टीविटामिन्स की भी आवश्यकता है। तो इस तरीके से डाइट को इम्प्रूव करके अगर बच्चे का विकास ठीक से नहीं हुआ या वजन नहीं ले रहा है बच्चा, मसल्स नहीं बन पा रही हैं बच्चे के, तो आप वजन बढ़ा सकते हैं, बम्प का साइज ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की क्यूरियोसिटी शांत हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना और अपनी उन फ्रेंड्स को जिनको प्रेगनेंसी है उनको ये चैनल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।